नमस्कार, मैं इंदौर से नाड़ी वैद्य पुष्पा श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। प्रथम सुख निरोगी काया। लेकिन कई बार हम लोग इस गिल्टी में रहते हैं कि इस पर ने हमको बहुत मोटा बना दिया, कहीं दुबला बना दिया, कभी हाइट कम हो गई, कभी हाइट ज़्यादा हो गई। ज़्यादा की तो खैर कोई बात ही नहीं, अगर लंबाई हमारे शरीर की कम हो जाती है तो हम लोग बहुत परेशान होते हैं कि अरे, कई बार ऐसे कुछ कैरियर होते हैं कि जिसमें लंबाई मांगी जाती है, लेकिन लंबाई कम है और हमारा जुनून रहता है कि नहीं, हमें वही व्यवसाय चुनना है, वही नौकरी करना है जिसमें हाइट हमको इतनी चाहिए। आयुर्वेद के कुछ ग्रंथों में लंबाई के लिए, हालांकि बहुत दवाइयाँ नहीं हैं, केवल एक दवाई का उल्लेख मिलता है जिसका ड्रग लाइसेंस भी मेरे पास था पहले, और जो बाज़ार में जो दवाइयाँ मिलती है हाइट बढ़ाने की वो यही है, जो आप बिल्कुल हजारों रुपए देके खरीदते हैं वो और कुछ नहीं है। ये जो मैं आज बताने जा रही हूँ आपको, केवल यही है जो दवाइयाँ गोली के रूप में मिलती है और आप उसको लेते हैं और इसकी हाइट बढ़ती है। हाइट ऐसे चमत्कारिक रूप से नहीं बढ़ती है, एक बात मैं समझा दूँ आपको, एक दो इंच आपकी हाइट बढ़ सकती है। और मेरे पास तो 30-35 साल तक का भी रिकॉर्ड है कि इस उम्र में भी बढ़ी है 2 इंच हाइट, और फिर साइंस भी मानता है कि सोने के बाद 2 इंच हमारी हाइट बढ़ती है। अब कैसे क्या, कई बार तो मैंने आपको बताया कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं बता पाती हूँ कि साइंटिफिक क्या है ऐसा, लेकिन हाँ मैंने देखी हूँ, बहुत लंबा कोर्स है, लेकिन जो कई सालों से मैं, लोग मेरे को बोलते हैं हाँ मैडम हाइट तो अच्छी बढ़ रही है, बड़ा धन्यवाद देते हैं। तो आज आपको मैं उस चीज से रूबरू करवाने जा रही हूँ। ये देखिए, कई नाम से जाना जाता है इसको, कई नाम से जाना जाता है इसको, हालिम भी बोलते हैं, हालो भी बोलते हैं, असालियो भी बोलते हैं, चंद्रसूर भी बोलते हैं, कई नामों से जाना जाता है। इसकी तासीर थोड़ी सी गर्म है, बहुत गर्म नहीं है। इसके अनेकों फायदे हैं, मतलब आपकी मान लो हाइट बढ़े या ना बढ़े, लेकिन इसके फायदे आपको बहुत मिलेंगे अगर आप इसका सेवन करते हैं। आप का ये क्वेश्चन रहता है कि किस उम्र में देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, तो देखिए ये जो मुझे लेने का तरीका है, एक मेरे बहुत बड़े गुरु थे 105 साल के, वो बताते थे कि बेटा हालों को खड़े होके लेना चाहिए शाम के समय, सूर्यास्त के समय। ये शास्त्रों में नहीं लिखा है, मैं कितना भी पढ़ाई की हूँ कहीं मुझे ये उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन सोलंकी जी जो मेरे गुरु जी थे उन्होंने ये मेरे को बतलाए थे। ये बहुत साधारण सी चीज़ें हर जगह मिलती है, खेती होती है इसकी, इसको आप किसी भी उम्र में, जैसे आपके बच्चा के 7-8 साल की उम्र है और हाइट नहीं बढ़ रही है तो भी आप उसको दे सकते हैं, और आपकी उम्र 30 साल के भी करीब है तो भी आपकी हाइट थोड़ी 1-2 इंच तो बढ़ेगी ही, और आपको इसको नियमित रूप से सेवन करना है शाम के समय, मतलब जो सूर्यास्त का समय होता है जनरली संध्याकालीन, उसका क्या तर्क है तो मैं नहीं बयां कर पाऊँगी, पर हाँ उस समय लेने की विधि है। और गुरुजी ये भी बोलते थे कि बेटा इसको लेने से, बैठ के लेने से कमर बढ़ती है, क्या सच्चाई ये भी नहीं बताऊँगी, शास्त्रों में नहीं लिखा। हम लोग कैसे देते हैं रोगियों को, हम लोग इसको पीस के देते हैं, पीस के आधा चम्मच, या मैं तो टेबलेट बना लेती हूँ, क्योंकि आजकल गोलियाँ वोलियाँ खाने में सब लोग बहुत आनाकानी करते हैं, छोटे बच्चे हैं तो 2-3 गोलियाँ दीजिए, बड़े हैं तो 6-7 दीजिए, हष्ट पुष्ट हैं तो 7-8 दीजिए, खड़े होके गोली निकल ले किसी भी चीज़ से ले, नियमित लेना है। कभी एक दो बार अगर भूल जाते हैं, देसी दवाइयाँ हैं, अगर भूल गए लेना तो कोई भी नुकसान नहीं है, किसी भी चीज़ से ले सकते हैं, पानी से ले सकते हैं, शरबत से, जो भी अवेलेबल, जो भी लिक्विड आपके पास है आप पी सकते हैं, पेय पदार्थ से किसी से भी ले सकते हैं। ये तो होगी लंबाई की बात। इसको लेने के बाद आपका शरीर मांसल हो जाएगा, मतलब हष्ट पुष्ट, मतलब वेट नहीं बढ़ेगा ये मत सोचिए, एक ताकत वाला बलिष्ठ बदन और एक थुलथुल बदन, दोनों में फर्क है, मांस वाला बदन और मांसपेशियों वाला शरीर में फर्क है।
गठीला बदन हो जाएगा आपका। जो माता बहनें बच्चों को स्तनपान कराती हैं उनके लिए तो अति उत्तम है, अति उत्तम है। आप इसकी खीर बना के, हालांकि थोड़ी सी अब इसको आप खुशबू बोल सकते हैं या बदबू, हल्के से इसमें गंध आती है, तो आपको एक चम्मच, देखिए 1 टीस्पून दूध में खीर जैसा बनाना है, हल्का सा चिकट होता है। जैसे मैंने बताई थी पहले भी कि दाल मखाना या उटंगन वो तो बहुत ही चिकट होता है, मतलब आप उसको तो पानी में घोल ही नहीं सकते, ऐसा लगता रबड़ है, लेकिन ये इतना चिकट नहीं होता है। ये जैसे तुकमेरिया होता है उस तरह से थोड़ा फूल जाता है, और इसकी खीर बना के पी सकते हैं। उन वृद्ध को, उन पौंड को जो मेरे उम्र के हैं या अधिक हैं, जिनकी मांसपेशियां कमजोर हो गई है, शरीर कमजोर हो गया है, आप तो उन्हें बिल्कुल दीजिए बिना डरे। ताकत, ताकत इतनी अच्छी आ जाती है, एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। अच्छा, एक और फायदा है, जो बच्चे ले रहे हैं उनके स्किन में भी फर्क आएगा। कई बार मैं अपने रोगियों को बोलती हूँ, जब स्किन की डिसीज लेके, अभी कुछ समय पहले एक सोराइसिस की पेशेंट आई थी, पूरे शरीर में सोराइसिस, एक मानसिक तकलीफ देने वाली बीमारी, तो खैर उसका पर कोई मैं अलग बताऊंगी, पर इसके लिए हाला लेने से आपका त्वचा भी ठीक होती है, रक्त शोधक है, बलिष्ठ है, अच्छी है। उन लोगों को लेना चाहिए जिनको अपनी लंबाई बढ़ानी हो, मांसपेशियाँ स्ट्रांग करनी हो। माता बहनों को दूध का माता है तो उसको भी ले सकते हैं, और ये दवाई आसानी से मिल जाती है, इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैं हमेशा तासीर बताती हूँ, ये किसी भी तासीर वाले को ले सकते हैं, वात, कफ, पित्त। अच्छा, ये संधिवात पर भी काम करता है, वात रोगों पर भी काम करता है, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, बिना डरे ले सकते हैं। लंबाई ज़रूर बढ़ेगी। एक बात और बता दूँ कि लंबाई बहुत जल्दी नहीं बढ़ती है, करीब 5-6 महीने के बाद अंतर दिखता है। सबसे पहले लेने के पहले मैं बोलती हूँ, बिफोर आप एक निशान लगा दीजिए और तारीख लिख दीजिए, फिर हर 3 महीने के बाद नापते रहिए, इतने जल्दी नहीं। हाँ, छोटे बच्चों की जो 10-11 साल के हैं और 15-20 साल के, उनकी तो बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, लेकिन जब हाइट बढ़ना कुदरत हमारा रोक देती है, जबकि बात बता रही हूँ, 1-1 साल तक भी लेना पड़ सकता है। लंबा समय तक कोर्स चलता है लेकिन रिजल्ट मिलता है। मैंने देखे हूँ कई पेशेंट आके बड़ा धन्यवाद देते हैं कि बेटा हमारी तो पुलिस में भर्ती हो गई आपकी मेहरबानी की वजह से, तो बड़ा मेरे को मन में लगता है कि मेरी क्या मेहरबानी, मेहरबानी तो हमारे पुरखों की, हमारे ऋषि मुनियों की, उनकी मेहरबानी। और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बच्चों एक बात और समझाती हूँ कि गिल्टी कॉन्शियस में मत आओ अगर आपकी हाइट छोटी रह गई। मैंने कई लोगों को देखी हूँ अपने जीवन में जिनकी हाइट कम थी, वो बहुत ऊंचाई पर गए। जैसे कुछ आप देखे, नाम तो नहीं लेती हूँ, चलिए ठीक है, पर हाँ, हाइट कम वालों का सिक्स सेंस बहुत तेज होता है, और गिल्टी कॉन्शियस ना रहें। अगर आपके शरीर में कोई विकार है, ईश्वर ने जैसे भी आपका शरीर बनाया है उस पर गर्व करिए, और बस आत्मविश्वास के साथ जिए। धन्यवाद बच्चों, मेरे भाइयों, नमस्कार। भगवान धन्वंतरी आपको सदैव खूबसूरत बना के रखे, स्वस्थ रहे, यही मेरी कामना है।